कब्जी एक कॉमन प्रॉब्लम है, न केवल सीनियर सिटीजन्स में बट इवन यंगर लोगों में. बट यंगर लोगों में जो कब्जी होती है वो उसके रीजंस अलग रहते हैं, जैसे कि ज्यादा मैदा वाली चीजें खाना, या फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाना, या जंक खाने पे रहते हैं ज्यादा करके, या और एक्सरसाइज नहीं करते. सो ऑल दीज आर फॉर द पीपल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. जैसे जैसे आप 60s या 70s में जो आते हैं सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं. क्या हो जाता है कि जो हम चबाने की क्रिया जो रहती है हमारी, या जो हमारा सलाइवा जो रहता है, या जो दांत पर गिर जाते हैं, इसके लिए फूड ठीक से हम चबा नहीं सकते हैं. तो वो ऐसे ही खाने के बाद जो डाइजेस्टिव हमारे एंजाइम्स है वो भी कम हो जाते हैं. और जहां तक हमारा जो आतड़ियों का जो मोशंस है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है. ये सब के वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत बार सीनियर सिटीजन में देखा जाता है. और वहां पे कॉन्स्टिपेशन होने से जैसे कि आपको जैसे गैसेस होती है, या आपके जो स्टूल्स होते हैं वो कड़क होती है, या आपके आपको भरा भरा सा लगता है, सब एसिडिटी जैसे लगता है. सो दीज आर द सिम्टम्स के आपको कॉन्स्टिपेशन है. बहरहाल, अगर आप रोज नहीं जा सकते, आपका मोशंस आप रोज पास नहीं कर रहे हो, एक दिन छोड़ के कर रहे हो या 2 दिन छोड़ के कर रहे हो, बट आप कंफर्टेबल हो, आपको गैसेस नहीं है, तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं कहेंगे. तो कहने का मतलब यह है, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी रोज मोशंस पास करे या रोज संडास के लिए जाए, जरूरी नहीं है. बट अगर आपको उससे तकलीफ होती है तो हाँ, हमको वो कॉन्स्टिपेशन ठीक करना बहुत जरूरी है. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है, जो आपको करनी है कि उसमें आप जो फल या वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी मात्रा में ले. एटलीस्ट 2 या 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें आपके पालक हो गए, जैसे कि बीन्स हो गए, गवार हो गए, फाइब्रस वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, या तो फ्रूट्स है जो है जिनमें हम एक इनसोल्यूबल फाइबर जो बोलते हैं वो अवेलेबल है, उसके वजह से आपके मोशन सॉफ्ट हो जाएंगे. सेकेंड जो आपको करना है चीज की, आपको पानी पानी का कंजम्पशन बढ़ाना है. आप कितना दिन भर में पानी ले रहे हो ये देखो कि आप एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी पीना जरूरी है. कई लोगों को इनकॉन्टिनेंस की तकलीफ रहती है बुढ़ापे में. दे पास बहुत बार आपको रात में उठकर शौच के लिए जाना पड़ता है, यूरिन के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वो पानी नहीं पीते हैं. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि शाम के बाद ज्यादा पानी न पिए, पर दिन में सवेरे से शाम तलक आप थोड़ा थोड़ा हर 2 घंटे में या 1 घंटे में पानी पीते रहिए. और वो भी अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पियेंगे तो और भी अच्छा रहेगा. तो आपके मोशन सॉफ्ट रहेंगे और आपको कब्जी नहीं होगी. तीसरी बात जो आप कर सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना है, भले आधा घंटा चलना हो या योगा करना हो. बॉडी का हिलना बहुत जरूरी है. जब बॉडी हिलेगी तो आपको आपके जो अतड़िया है या जो जो मोशंस है उसके उसके वजह से वो जब हिलेंगी तो आपकी कब्जी काफी हद तक कम होगी.